नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। मुरादाबाद में नगर विधायक द्वारा जानकी रसोई का हुआ उद्घाटन। रविवार को मंडी समिति रोड स्थित लाइन पार में ठाकुर श्री रघुनाथ जी रामाचा सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में जानकी रसोई का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि नगर विधायक रितेश गुप्ता के कर कमलों द्वारा किया गया। साथ ही ट्रस्ट अध्यक्ष पंडित राघवेंद्र जोशी ने नगर विधायक रितेश गुप्ता सहित नगर की अनेक प्रख्यात विभूतियों को स्मृति चिन्ह देकर व फूलों का हार पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ट्रस्ट अध्यक्ष पंडित राघवेंद्र जोशी, राजेश रस्तोगी, गोविंद, विपिन गुप्ता, संजय अग्रवाल, दीपक गोयल, दिनकर गोयल, प्रेम अवतार अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, अमित अग्रवाल, अमन अग्रवाल, उदित अग्रवाल, अनुज सोम, कमलदीप उपाध्याय, सुमित उपाध्याय, प्रखर रस्तोगी, ऋषि रस्तोगी, अखिलेश रस्तोगी, पुनीत अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, राजकुमार गौतम एडवोकेट, कृष्णा चौधरी, जानकी विदुषी, डॉक्टर रेखा जिंदल, अनसुया, अजय वर्मा आदि लोगों का सहयोग रहा। पंडित जी राघवेंद्र जोशी जी के द्वारा आज ये जानकी रसोई का शुभारंभ लाइन पास क्षेत्र से किया गया है, जिसमें आज जानकी रसोई के द्वारा निःशुल्क भोजन यहाँ पे बांटा जा रहा है। बहुत अच्छा काम पंडित जी जोशी जी के द्वारा ये किया जा रहा है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ शुभ कार्य के लिए। मेरा नाम मोहित गौड़ है, मैं वार्ड 67 से भाजपा पार्षद हूँ, और आज जो है हमारे पंडित जी महाराज ने जो ये शुभारंभ किया है जानकी रसोई का, ये एक हमारे प्रेरणा देने लायक है आगे के लिए कि आगे हमें बजरा कैसा लेना है हिंदुत्व के लिए। और जो नाम जो रखा है उनका जानकी रसोई, ये बहुत अच्छा नाम है, और पंडित जी को बहुत शुभकामनाएँ, अपनी बधाई। पंडित राघवेंद्र जोशी, ठाकुर श्री रघुनाथ जी रामाचा सेवा ट्रस्ट के नाम से एक संस्था है हमारी, उस ट्रस्ट के तत्वावधान में जानकी रसोई का शुभारंभ आज माननीय नगर विधायक श्री रितेश गुप्ता जी के कर कमलों द्वारा किया गया। ये संस्था जो है गरीब असहाय लोगों के लिए सहायता के लिए है, और उन्हीं के लिए भोजन की व्यवस्था निःशुल्क की गई है। ये आज बड़ा शुभ दिन है, जानकी रसोई का यहाँ शुभारंभ हो रहा है, और हमारे दिनदारपुर का प्रमुख मंदिर है उसके हमारे आदरणीय पंडित जी हैं, इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। ये हमारे मोहित गौड़ हैं जो हमारे वार्ड 67 के पार्षद हैं, और हमारे राजीव भैया हैं, ये सब लोगों ने यहाँ पर ये कार्यक्रम शुरू किया है, मैं इनको बधाई देता हूँ। ऐसे धार्मिक आयोजन होते रहने चाहिए महानगर में, इस तरह के कार्यक्रम करने से प्रेम और सौहार्द बढ़ता है, और इस तरह के कार्यक्रम करने से हमारा हिंदुत्व बढ़ता है, हमारे समाज में एक आस्था का जागरण होता है, और लोग एक दूसरे से मिलकर प्यार बांटते हैं, और इससे देश को आगे बढ़ाने में, उन्नति करने में, देश के उत्थान में ये कार्यक्रम काम आते हैं। ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो रहने चाहिए। इसका नाम बहुत सुंदर रखा है इन्होंने, जानकी रसोई, माँ सीता मैया के नाम से ये रसोई रखी है। इसका शुभारंभ किया गया है, ये लंबे समय तक चले, और प्रभु श्री राम इनको शक्ति दें कि ये इस कार्य को सुचारू रूप से चलाते रहें और समाज की सेवा करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।